साथी आपका आचार्य आशीष कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ चैनल ओम आलोक कार्यक्रम तंत्र मंत्र वयंत्र में। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल के वीडियोस आपने पसंद करे, उनको लाइक भी दे रहे हैं, कमेंट्स भी दे रहे हैं। आपके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि आप जिस प्रकार से हमें दिशा दिखाते रहेंगे हम अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। मित्रों, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि हम आज 7000 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं। आपका प्रेम हमें यदि इसी प्रकार मिलता रहा तो हम आगे भी बहुत बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करते रहेंगे मित्रों, और आपसे यही कामना है हमारी कि अपना प्रेम हमारे ऊपर बनाए रखें। मित्रों, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उच्चाटन मंत्र। अब ये उच्चाटन मंत्र सिर्फ शत्रु का उच्चाटन नहीं होता है, आपकी बीमारियां हैं, आपके ग्रह में कलेश है, कुछ ऊपरी बाधाएं हैं, उन सब का उच्चाटन है। उसका एक मंत्र है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अपने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक मंत्र, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, अतुल वीर पराक्रमाय घोर, रौद्र महिषासुर रूपाय त्रैलोक्य दंबराय, रौद्र क्षेत्रपालाय ह्रीं ह्रीं क्रीं क्रीं, क्रमित ताड़य ताड़य, मोहय मोहय द्रवि द्रवि, क्षोभय अभि अभि साधय, ह्रीं हृदय आशक्ते प्रीति, ललाटय बंधय हृदय स्तंभय स्तंभय, किलि किलि ह्रीं ह्रीं डाकिनी, प्रच्छादय प्रच्छादय शाकिनी, प्रच्छादय प्रच्छादय भूतं प्रच्छादय, प्रच्छादय अभूति अदूति स्वाहा, राक्षसं प्रच्छादय प्रच्छादय ब्रह्म, राक्षसं प्रच्छादय प्रच्छादय आकाशं, प्रच्छादय प्रच्छादय सिंहिनी, पुत्रं प्रच्छादय प्रच्छादय ते डाकिनी, गृहं साधय साधयनेन, मंत्रेण डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत पिशाचादी, एकाहिक द्वाहिक त्र्याहिक चतुर्थिक पंचानिक वातिक पैतिक श्रेष्पिक धन्यपात, केसरी डाकिनी ग्रहादि मुंच मुंच स्वाहा, गुरु की भक्ति मेरी शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा ओम। मित्रों, आपने देखा ये मंत्र है और ये बड़ा अच्छा मंत्र है। मित्रों, ये तीन भाषाओं युक्त मंत्र है जो मैंने आपको अभी बताया है, हिंदी संस्कृत व बांग्ला का प्रयोग है। ये ऐसा शावर मंत्र है जिसमें तीन भाषाएं, तो ये बड़ा विलक्षण मंत्र है और इसका प्रभाव बड़ा अच्छा है। आपके घर का सारा क्लेश दूर हो जाता है, आपके घर से जो निगेटिव एनर्जी है, जो बुरी आत्माएं हैं, जो साया है, वो सब हट जाता है। या आपको आपके घर पर किसी की नज़र लगी हुई है तो वो भी आपको उससे आराम मिल जाएगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति को यदि ऊपरी हवा का चक्कर है या उसका पैर कहीं पड़ गया है चौराहे पर, तो आप इससे उसका भी उपचार कर सकते हैं। उपचार के लिए आपको करना क्या है, इस मंत्र को आप बहुत सरल विधि, आपको बता रहा हूँ आज तक मैंने इतनी सरल विधि बताई नहीं, मात्र 21 बार पढ़कर जल ले लें हाथ में अंजलि में, और 21 बार पढ़कर वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद उस जल को आप अपने घर में चारों दिशाओं में डाल दें, आपका घर पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा किसी भी प्रकार की बाधा से। अब बात रही कि जो रोगी हैं इस प्रकार के, उनके लिए आप इसका प्रयोग इस प्रकार भी कर सकते हैं कि चाकू या मोर पंखी, इनको भी 21 बार पढ़कर उस मंत्र से फूंकना है, यानी उनको अभिमंत्रित करना है, व उससे आप चाकू रख के ऐसे फेर दें, 21 बार पढ़ के मंत्र पढ़ा चाकू पर और उसके हाथ पर ऐसे चला दिया, ऐसे यहाँ चला दिया, तो वो जो व्यक्ति है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अगर उस पर कोई साया है, कोई शैतानी आत्मा है, वो तुरंत उसको छोड़कर भाग जाएगी। तो बड़ा ही अच्छा मंत्र था, आपको कैसा लगा आप हमें सूचित करिएगा।
अपने लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मेरा करवंद निवेदन है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें कार्यक्रम तंत्र मंत्र वैंत्र व कुछ अंतरी अनकही कहानियां। इस सभा के लिए इतना ही मित्रों, अन्य सभा में आपसे फिर भेंट करूंगा, तब तक के लिए प्रणाम।